Hey guys, this is Elneki Khan and you are watching The Literature Man. Today we will summarize a poem, Kingfisher by Daud Kamal, a Pakistan's famous poet who taught English literature at Peshawar University for nearly 3 decades, 30 years. He wrote poems in English and translated Ghalib's classical work into English. He also translated Faiz Ahmad Faiz, Munir Niazi, Ahmad Nadeem Qasmi and Ahmad Faraz poems into English. Kingfisher is a masterpiece of Daud Kamal. He makes use of visual imageries like rivers, like trees, plants, water shore, etc. He personifies the kingfisher with the apparel and uses metaphors. The use of imagery, visual imagery and natural imagery can be seen in the whole poem. So let's start the line by line translation and summarize the poem, Kingfisher. Kingfisher. April is the kingfisher's beak, which pierces the river's glad torment. Is this an image of our love? Carnage in the rose valleys under the first light of our wounds. Clouds detach themselves from disconsolate trees. The future curves on another shore. Tongues of water cradle our startled dreams. Moss-grown stepping stones. The stars burn fiercely. They tell us what we are. So guys, Kingfisher, Mahikhor. Kingfisher basically एक ऐसा परिंदा है जो नदी नालों, दरियाओं, आबशारों वगैरह से मछलियों को निकाल कर, झपट कर, उनको पकड़ कर खाता है, उछाल कर. और उसकी एक लंबी सी चोंच होती है. सो इन द फर्स्ट स्टंजा पोइट सेज अप्रैल इज द किंगफिशर्स बीक. यानी उसने अप्रैल को पर्सोनिफाइड कर दिया किंगफिशर की बीक से. अप्रैल इज द किंगफिशर्स बीक. अप्रैल किंगफिशर की चोंच है. विच पायरसिस जो छेदती है या चीरती है किसको? द रिवर्स ग्लैड टॉर्मेंट दरिया के खुशगवार अजाब को. यानी कि दरिया के उस पानी को, वो जो इतना प्रेशर वाला पानी होता है, उसको चीर कर वो चोंच गुजर जाती है. उस पानी में से गुजरती हुई वो चोंच जाकर मछली को पकड़ती है, देन उसको उछाल कर खा लेती है. तो पोइट यहाँ पर विजुअल इमेजरी यूज़ करता है, इमेजरी ऑफ नेचर, रिवर की और उस किंगफिशर के उस मछली को निकाल कर पकड़ने की. नेक्स्ट लाइन में वो कहता है, इज़ दिस एन इमेज ऑफ आवर लव. यानी कि किंगफिशर का वो मछली निकालना, वो जाकर उसको पकड़ना और उछाल कर खाना, इज दिस एन इमेज ऑफ आवर लव. क्या ये हमारे प्यार की, हमारे मोहब्बत की एक निशानी है? पोइट क्वेश्चन करता है. देन ही सेज कार्नेज, कत्ले आम है. यानी कि वो एक इस क्वेश्चन का खुद हिस्टोरिकल आंसर देता है. कहता है कार्नेज, कत्ले आम है, इन द रोज वैलीज, गुलाब की वादियों में, अंडर द फर्स्ट लाइट ऑफ आवर वूंड्स, हमारे जख्मों की उस पहली रोशनी में. यानी कि वो अपने क्वेश्चन का खुद ही आंसर करता है कि किंगफिशर का इस तरह मछली को उछाल कर पकड़ना, उसको खाना, ये जो है कत्ले आम है उन वादियों में. देन इन द नेक्स्ट स्टंजा पोइट सेज क्लाउड्स, बादल, डिटैच देमसेल्व्स फ्रॉम डिसकॉन्सोलेट ट्रीज. डिटैच अलग कर लेते हैं देमसेल्व्स फ्रॉम कॉन्सोलेट ट्रीज, किनारा कश दरख्तों से. यानी कि जो साइड पर दरख्त हैं, बादल खुद को उनसे अलग कर लेते हैं. फिर एक विजुअल इमेजरी पेश कर रहा है. बेसिकली दिस पोइम इज फुल ऑफ विजुअल इमेजरीज एंड पर्सोनिफिकेशंस, मेटाफर्स. दाऊद कमाल बेसिकली जो है अपनी हर पोइम में जो है इमेजरीज को बहुत ज़्यादा यूज करते हैं. द फ्यूचर कर्व्स ऑन अनदर शोर, मुस्तकबिल जो है एक और मोड़ लेता है. फ्यूचर कर्व्स ऑन अनदर शोर, मुस्तकबिल एक और साहिल की तरफ मुड़ जाता है. टंग्स ऑफ वाटर, पानी की जुबानें. दिस इज़ बेसिकली व्हेन ग्लेशियर्स मूव रैपिडली, जब ग्लेशियर्स गुजरते हैं या आइस जो है वो बन जाती है पानी की, उन ग्लेशियर्स के ठंडा होने की वजह से, उसको टंग्स ऑफ वाटर कहते हैं. यहाँ पर इसका मतलब पानी की लहरें भी हो सकता है. टंग्स ऑफ वाटर क्रैडल आवर स्टार्टल्ड ड्रीम्स, यानी कि पानी की वो लहरें जो हैं क्रैडल पालती हैं किसको? आवर स्टार्टल्ड ड्रीम्स, हमारे हैरत ज़्यादा ख्वाबों को. पानी की ये लहरें हमारे हैरत ज़्यादा ख्वाबों को पालती हैं. मॉस ग्रोन स्टेपिंग स्टोन्स,
वो स्टेपिंग स्टोन्स, वो पांव रखने वाले वो पत्थर जो जिनके गिर्द जो है काई उग चुकी है, यानी कि वो पत्थर जिन पर सब्जा उग चुका है। मॉस इज बेसिकली अ प्लांट दैट हैज नो फ्लावर्स एंड ग्रोज अ स्मॉल लीफी स्टेम्प इन द पैचेस, मतलब जो राहदारियाँ होती हैं पैदल चलने की उनके गिर्द जो घास वगैरह और वो ग्रीन ग्रीनरी सी उग जाती है उसको मॉस कहते हैं। तो मॉस ग्रोन स्टेपिंग स्टोन्स, वो पत्थर जो हैं। द स्टार्स बर्न फायरसली, सितारे जो है वो शिद्दत से चमकते हैं। और आगे क्या कहता है कि ये सारी चीज़ें, ये जो बादलों का अलग होना है, ये जो पानी का हमारे ख्वाबों को, हैरत ज़्यादा ख्वाबों को पालना है, ये जो मॉस ग्रोन स्टेपिंग स्टोन्स हैं, ये जो सितारों का फायरसली शिद्दत से चमकना है, दे टेल अस वट वी आर, ये सब हमें बताते हैं कि हम क्या हैं। यानी कि सेकंड स्टांजा टोटली जो है फर्स्ट स्टांजा से डिफरेंट है। सो गाइस, दिस वाज मेयर सिंपल ट्रांसलेशन एंड शॉर्ट समरी ऑफ द पोइम किंगफिशर बाय दाऊद कमाल। एंड इस पोइम की इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये आपको यूट्यूब या गूगल पर फिलहाल कहीं भी और नहीं मिलेगी, बिकॉज ये कहीं और अवेलेबल है ही नहीं। सो गाइस, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।